हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एनसीईआरटी वाला एंड दिस इज यशिका मैम। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बेटा जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था इकोसिस्टम का लेक्चर नंबर 2। तो होपफुली बेटा आप जितना मैम ने आपको पढ़ाया एनसीईआरटी मैम ने आपको रिवाइज करवा ही दी थी तो आप उतना तो पढ़ के आए होंगे सो दैट हम नेक्स्ट लेक्चर शुरू कर पाए और आपका कोई बैकलॉग भी क्रिएट ना हो। सीधा जंप मत मार देना लेक्चर 2 में, अपना कंप्लीट करके ही फिर लेक्चर 2 में आना है। तो आज हम पढ़ेंगे अदर फंक्शंस, जो प्रोडक्टिविटी तो हमने एक इकोसिस्टम का फंक्शन पढ़ ही लिया है, ठीक है। जो भी इकोसिस्टम में स्पीशीज रहते हैं बेटा वही रिस्पॉन्सिबल होते हैं एक इकोसिस्टम को वो सारे फंक्शंस प्रोवाइड करने के लिए। सो वी डिस्कस अबाउट प्रोडक्टिविटी, कि प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन में फ़र्क क्या होता है। जब दो इकोसिस्टम को कंपेयर करना होता है तो हमें क्या इस्तेमाल करना चाहिए, ये भी हमने देख लिया था। हमने ये भी देख लिया था प्रोडक्टिविटी दो टाइप की होती है, जो टोटल प्लांट बनाता है फोटोसिंथेसिस के थ्रू उसको ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। जब वो खर्चा कर लेता है उस खर्चे के बाद जो बचता है उसको नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो अब उस प्लांट को अगर कोई नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल वाला ऑर्गेनिज्म कंज्यूम करता है तो उसको ग्रॉस वाला अवेलेबल नहीं होता, उसको नेट वाला अवेलेबल होता है। कैसे निकालते हैं, जीपीपी में से आर घटा दो, दैट विल बी योर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। हमने फैक्टर्स देखे थे कि व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स जो प्रोडक्टिविटी को डिटरमाइन करते हैं। ग्लोबल प्रोडक्टिविटी कितनी है वो देखा था, ओशन की प्रोडक्टिविटी कम क्यों होती है वो भी डिस्कस किया था, ठीक है। लाइट और न्यूट्रिएंट्स की जो लिमिटेशन है, अवेलेबिलिटी है, दैट इज लिमिटेड। और हमने क्या डिस्कस किया था, प्रोडक्टिविटी की यूनिट्स कैसी होती है, एक्सप्रेस कैसे करते हैं, इट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ वेट और इट कुड बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। हमारे सिलेबस में सिर्फ प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है बेटा। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वो प्रोडक्टिविटी होती है जहाँ पर हम बायोमास को मेजर करते हैं, फॉर्मेशन देखते हैं, प्रोडक्शन देखते हैं, ठीक है, थ्रू फोटोसिंथेसिस। मतलब प्रोड्यूसर लेवल पे जो प्रोडक्टिविटी होती है, मैं आपको बता देती हूँ, वो प्रोडक्टिविटी जो प्रोड्यूसर लेवल पर होती है, मेजर की जाती है, वो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कही जाती है। जो कंज्यूमर लेवल पर बायोमास का फॉर्मेशन या प्रोडक्शन होता है बेटा, उसको सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। बट हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी पढ़ोगे तो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और उसके ही टाइप्स बताए गए हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, हम चलेंगे अपने नेक्स्ट किसके तरफ, फंक्शन की तरफ इकोसिस्टम के, जिसका नाम है डीकम्पोजिशन। नाम से आपको पता चल रहा है डीकम्पोजिशन का मतलब तोड़ना। किसको तोड़ेंगे, जो ऑर्गेनिज्म मर जाते हैं। तो डीकम्पोजिशन में क्या करते हैं, हम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ देते हैं, डीकम्पोज कर देते हैं इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। सिंपल सब्सटेंसेस एनसीईआरटी क्या लिखती है, किस में बदल देते हैं उसको, CO2 में, H2O में और न्यूट्रिएंट्स में। हमारे अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स हैं, प्लांट्स के अंदर, जानवर के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है बेटा, वो सब डिकम्पोजिशन के बाद बाहर आ जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज द रॉ मटेरियल फॉर डिकम्पोजिशन, व्हाट इज द रॉ मटेरियल फॉर डीकम्पोजिशन, तो आप क्या बोलोगे, रॉ मटेरियल क्या है डीकम्पोजिशन का, दैट इज डेट्रिटस, या आप कहते हो डेट्राइटस। ये क्या होता है, ये भी डिफाइन करने के लिए पूछा जा सकता है। तो व्हाट इज डेट्रिटस, इसको हम डिफाइन करते हैं बेटा, दिस इज डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, ठीक है। जब हम मर जाते हैं, प्लांट्स मर जाता है, जो डेड रिमेन्स होता है उसको डेट्रिटस बोलते हैं। तो डेड रिमेन्स का ही डिकम्पोजिशन होने वाला है, तो जिसका डिकम्पोजिशन होने वाला है आप ऐसे भी कह सकते हो, उसको डेट्रिटस बोलते हैं। तो डेट्रिटस प्लांट का मरा हुआ पार्ट हो सकता है, एनिमल्स का मरा हुआ पार्ट हो सकता है। तो एनिमल्स में क्या आ जाएगा बेटा, सारे जो भी ऑर्गेनिजम्स अगर मर जाते हैं, इसमें ऑर्गेनिजम्स का फीकल मैटर भी आता है बेटा, उसका भी डिकम्पोजिशन अगर होगा तो ये क्या कॉन्स्टिट्यूट करेगा, डेट्रिटस, ठीक है। प्लांट्स में आप क्या क्या चीज़ डिकम्पोज करते हो, अब बेटा प्लांट्स हो सकता है पूरा का पूरा मर जाए तो वो भी डिकम्पोज होगा, नहीं तो आपने देखा होगा प्लांट से फ्लावर्स गिरते रहते हैं, उनका डिकम्पोजिशन हो सकता है, तो फ्लावर कैन बी अ डेट्रिटस। और लीव झड़ते रहते हैं, उनका डिकम्पोजिशन होता है, तो लीव कैन ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट टू डेट्रिटस। और क्या होता है बेटा, बार्क,
ठीक है, तो ये सारे प्लांट के पार्ट डेट्रिटस बन करके डिकम्पोजिशन के अंदर जा सकते हैं, ठीक है, दिस कैन बी डेट्रिटस, दिस कैन बी डेट्रिटस। अब नेक्स्ट जो सवाल पूछता है, व्हाट इज द साइट ऑफ डिकम्पोजिशन, व्हाट इज द साइट ऑफ डिकम्पोजिशन, तो ये साइट ऑफ डिकम्पोजिशन वेरी करता है। अगर एक्वेटिक बॉडी में हो रहा है तो एक्वेटिक बॉडी में जो साइट होती है, इन एक्वेटिक बॉडी लोअर स्ट्रैटा में डिकम्पोजिशन होता है, वेयर एज इन टेरेस्ट्रियल बॉडी साइट इज अपर स्ट्रैटा मतलब अपर लेयर। अब होता क्या है बेटा, टेरेस्ट्रियल में ये देखो ये सॉयल है, ठीक है, ये सॉयल पर कोई एक पेड़ लगा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल, ओहो हाँ कोई पेड़ लगा हुआ है, इसकी लीव्स हैं, स्टेम है, मान लो ये लीव्स गिर गई यहाँ पर, लीव फॉल गिर गई, ठीक है, तो लीव कहाँ आकर के गिर रही है, लेयर में, सॉयल की ना बेटा बहुत सारी लेयर होती हैं, ठीक है, तो सॉयल में जो डीकम्पोजर्स प्रेजेंट होते हैं ना वो अपर लेयर में ही प्रेजेंट है, तो जब लीव गिरी है तो यहाँ पर इसका डीकम्पोजिशन अपर लेयर ऑफ सॉइल में ही हो जाएगा। इसीलिए हम बोलते हैं अगर एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कोई चीज़ गिर रही है, मर रही है, गिरना मतलब प्लांट के रिस्पेक्ट में होगा, अगर मान लो टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में कोई जंगल में कोई पेड़ का कोई पार्ट गिर रहा है या कोई जानवर मर रहा है, उन सब का डीकम्पोजिशन अपर लेयर या अपर स्ट्राटा ऑफ द सॉइल में होता है। क्यों? क्योंकि डीकम्पोजर सारे के सारे अपर लेयर में ही प्रेजेंट होते हैं, डीकम्पोजर्स प्रेजेंट इन अपर लेयर ऑफ द सॉइल, अपर लेयर ऑफ सॉइल। इसीलिए बेटा टेरेस्ट्रियल बॉडी में हम कहते हैं कि इकोसिस्टम में, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में डीकम्पोजिशन भी अपर स्ट्राटा में ही होती है, बिकॉज डीकम्पोजर्स ही वही हैं। अगर मैं एक्वेटिक बॉडी की बात करूं तो एक्वेटिक बॉडी में डीकम्पोजर्स बॉटम पे प्रेजेंट है, डीकम्पोजर्स प्रेजेंट एट बॉटम। पॉन्ड वाले इकोसिस्टम में लिखा हुआ था ना एनसीईआरटी में कि पॉन्ड वाले इकोसिस्टम में जितने भी आपके बैक्टीरिया, फंजाई, फ्लैजलेट्स होते हैं जो एज अ डीकम्पोजर की तरह काम करते हैं, वो अबंडेंटली बॉटम में ही मिलते हैं। तो बेटा अगर सारे के सारे डीकम्पोजर्स बॉटम में ही मिल रहे हैं तो डीकम्पोजिशन भी तो यहीं होगी, देयरफोर डीकम्पोजिशन इज प्रेजेंट एट लोअर स्ट्रेटा, या आप कह सकते हो बॉटम ऑफ दी पॉन्ड, बॉटम ऑफ दी लेक, बॉटम ऑफ दी रिवर, ओशन, आप जो भी कह सकते हो, ठीक है। तो ये हमने देख लिया कहाँ पर होगी, डिपेंड करता है हमारे इकोसिस्टम कैसा है, टेरेस्ट्रियल में अलग जगह डिकम्पोजिशन चलती है और एक्वेटिक इकोसिस्टम में अलग जगह डिकम्पोजिशन चलती है, ठीक है। अब हम क्या बोलने वाले हैं, अब हम पढ़ेंगे बेटा व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन, स्टेप्स ऑफ डीकम्पोजिशन। तो व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ डीकम्पोजिशन, सबसे पहले हम बात करेंगे फ्रेगमेंटेशन की, किसकी बात करने वाले हैं बेटा, फ्रेगमेंटेशन की, ठीक है। हमारी एनसीईआरटी में जो स्टेप्स लिखे हुए हैं वो लिखे हुए हैं फ्रेगमेंटेशन, फिर लीचिंग, फिर कैटाबॉलिज्म, फिर ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन। एक्चुअली ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन कैटाबॉलिज्म का ही रिजल्ट है, ह्यूमस बन जाए, ह्यूमस के अंदर का जितना भी इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट है वो बाहर आ जाए, दैट इज मिनरलाइजेशन। एक एक करके सब पढ़ोगे, मैंने तो सिर्फ एनसीईआरटी के अभी नाम लिखे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला हम स्टेप जो पढ़ने वाले हैं दैट इज फ्रेगमेंटेशन। क्या मतलब होता है फ्रेगमेंटेशन का, अपनी एनसीईआरटी सामने खोल करके बैठना, फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है तोड़ना, ठीक है। यहाँ पर हम किसके तोड़ने की बात करेंगे, यहाँ पर हम तोड़ने की बात करेंगे डेट्रिटस। अब इतना बड़ा इंसान मर रहा है, कोई जानवर हो रहा है, वो तो बहुत कॉम्प्लेक्स बॉडी है, ठीक है। तो सबसे पहले कॉम्प्लेक्स बॉडी को क्या किया जाता है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, ठीक है। तो होता क्या है फ्रेगमेंटेशन में, फ्रेगमेंटेशन में होता क्या है बेटा, ये कौन करता है, दिस इज डन बाय अर्थवॉर्म।
तो सबसे पहले स्टेप में जो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, जो सबसे पहले डेट्रिटस के ऊपर वर्क करते हैं, वो अर्थवॉर्म और टर्माइट्स होते हैं। ठीक है, इसीलिए अर्थवॉर्म इतना इम्पॉर्टेंट काम करता है, डिकम्पोजिशन का काम करता है, तभी अर्थवॉर्म को फार्मर्स फ्रेंड भी बोला जाता है। और वैसे भी आपने सुना होगा अर्थवॉर्म को और भी बहुत रोल है, ठीक है, वर्मी कंपोस्टिंग में इस्तेमाल होता है। अगर शायद नहीं सुना तो हटा दो, अब इतना समझना कि ये फ्रेगमेंटेशन में इन्वॉल्व है। ये क्या करता है, दे वर्क, ठीक है, ऑन डेट्रिटस एंड कन्वर्ट देम इंटू स्मॉलर पार्टिकल्स। जैसे बेटा आप खाना खाते हो, ठीक है, तो आपने एक निवाला तोड़ा तो मुंह में भी तो कुछ कुछ चबाते हो या सीधा निगल जाते हो पेट में, अजगर हो? नहीं ना, निगलते नहीं हो ना पानी के साथ, क्या करते हो, उसको चबाते हो। कहते हैं एटलीस्ट 30 times चबाना चाहिए, है ना। तो वो चबाना चबाने के लिए क्यों बोला जाता है मुंह में, क्योंकि इतना बड़ा जो रोटी का आपने निवाला खाया है, टुकड़ा लिया है, उसको छोटे छोटे बिट्स एंड पीसेस में कन्वर्ट कर सको, है ना। तो जो मुंह में सलाइवा के साथ हम उसको मिक्स करते हैं, ठीक है, और फिर दांतों की मदद से जो उसको तोड़ते हैं, समझ लो वही काम हमारा अर्थवॉर्म और टर्माइट्स का होता है। ठीक है, वही काम होता है अर्थवॉर्म एंड टर्माइट्स का। ये बड़े बड़े डेट्रिटस को कन्वर्ट कर देते हैं छोटे छोटे स्मॉलर पार्टिकल्स में। तो व्हाट इज द रोल ऑफ फ्रेगमेंटेशन, कॉम्प्लेक्स डेट्रिटस पार्टिकल को कन्वर्ट कर देना सिंपल पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में। ठीक है, ये सब किसकी मदद से होता है, अर्थवॉर्म और टर्माइट्स की मदद से, ये फ्रेगमेंटेशन में हेल्प करती हैं। लेकिन जब हम मुंह में चबाते हैं बेटा, तो क्या पूरा का पूरा खाना डाइजेस्ट हो जाता है? नहीं, इसका काम ये था जब हम मुंह में चबाते हैं खाने को, कि बस बड़े बड़े पार्टिकल्स को सिंपल फॉर्म में, छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट कर दे, सो दैट डाइजेशन वुड बी ईजी। सिमिलरली यहाँ पे भी पूरी के पूरी डिकम्पोजिशन खत्म नहीं हुई है, सिर्फ बड़े बड़े पार्टिकल्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट किया गया है, सो दैट आगे जा करके जब एंजाइम का एक्शन हो तो वो बेटर तरीके से काम कर पाए, है ना। जब जैसे खाना पेट में जाएगा तो वहाँ पे बड़ी सारी एंजाइम्स होती हैं जो उसको तोड़ती हैं, तो एंजाइम्स का बेटर एक्शन हो सके, इसीलिए आपने अब इनको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर लिया है। बट ये कन्वर्जन ये इंश्योर नहीं करती कि डिकम्पोजिशन हो गया है। अब क्या होता है बेटा, नेक्स्ट स्टेप हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज, इसके बाद क्या होता है, लीचिंग। इसके बाद क्या होता है, लीचिंग। लीचिंग में क्या होता है बेटा, मान लो सॉइल में ये डिकम्पोजिशन हो रही है, ठीक है, अगर सॉइल में चलती है तो आपको पता है अपर लेयर ऑफ स्ट्राटा में ही चलेगा डिकम्पोजिशन। यहां पर तुमने फ्रेगमेंटेशन, अर्थवॉर्म वगैरह है बेटा, ये अर्थवॉर्म वगैरह क्या कर देंगे, बड़े बड़े डेट्रिटस के पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देंगे। उस टाइम पर ऐसा हो सकता है कि कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस पानी के साथ मिल करके नीचे प्रेसिपिटेट कर जाए, नीचे चला जाए। और नीचे जाने को क्या बोलते, नीचे जाने का मतलब कहाँ, और जो लेयर होती है ना सॉइल की, लोअर स्ट्रेटा ऑफ सॉइल में चले जाना, ठीक है। तो जो डेट्रिटस आपने सिंपल पार्टिकल में कन्वर्ट किया है, इसमें जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है वो पानी के साथ मिक्स हो करके डीप डाउन पेनिट्रेट कर जाते हैं और नीचे नीचे लेयर ऑफ सॉइल में जा करके बैठ जाते हैं। इस फिनोमिना को बोलते हैं बेटा लीचिंग। सो व्हाट इज लीचिंग, वाटर सोल्युबल सब्सटेंसेस गो डीप डाउन इनटू द सॉइल एंड गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स। ये तो इनका काम यहीं समाप्त हो गया। अब इस डेट्रिटस में जो भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, जो भी वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस है, वो तो पानी के साथ मिक्स होकर के नीचे चला जाएगा।
जैसे आपने कुछ खाया, पानी पिया, तो कुछ खाना पानी के साथ मिक्स होकर के पेट में चला गया, इस तरीके से रिलेट कर सकते हो आप, ऐसे समझना। अब होगा क्या, यहाँ पर जो डेट्रिटस था इसके अंदर के वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस तो नीचे चले गए, बट ये डेट्रिटस क्या कंप्लीटली डिकम्पोज हो चुका है? कंप्लीटली डिकम्पोज नहीं हुआ, इसको कंप्लीटली डिकम्पोज करना है। उसके लिए लगेगा तीसरा स्टेप। क्या लगेगा? लगेगा बेटा तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप का नाम है कैटाबॉलिज्म। क्या नाम है? कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म में क्या होता है बेटा? कैटाबॉलिज्म का मतलब भी है तोड़ना, फ्रेगमेंटेशन का मतलब भी है तोड़ना। तो दोनों स्टेप में क्या डिफरेंस है? ठीक है, दोनों का मतलब है तोड़ना, तो व्हाट इज द डिफरेंस? सॉरी, देखो फ्रेगमेंटेशन में हम क्या कर रहे थे, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपल छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर रहे थे, यही कर रहे थे। उसमें जो ऑर्गेनिज्म था वो अर्थवर्म था और टर्माइट था। कैटाबॉलिज्म में वो नहीं होता। कैटाबॉलिज्म में हम क्या बोलते हैं कि इसमें वो जो स्मॉलर पार्टिकल है ना, ये देखो हमने डीकम्पोजिशन को डिफाइन कैसे किया था, हमने डीकम्पोजिशन को डिफाइन किया था जब एक कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर पूरी तरीके से एक सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाए, दैट मींस डीकम्पोजिशन हो गई, ठीक है, और एंड रिजल्ट तुम्हें ये मिल जाए। फ्रेगमेंटेशन में क्या हो रहा था बेटा? फ्रेगमेंटेशन में कॉम्प्लेक्स डेट्रिटस पार्टिकल, ठीक है, सिंपल पार्टिकल में कन्वर्ट हो रहा था। अभी इसका नेचर यहाँ ऑर्गेनिक ही है, ये अभी भी ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक में आपने कन्वर्ट नहीं किया है, इनको इनऑर्गेनिक सिंपलर सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है बैक्टीरिया एंड फंजाई। वो किस स्टेप में इन्वॉल्व होते हैं? कैटाबॉलिज्म। तो आ जाओ कैटाबॉलिज्म पढ़ते हैं। तो व्हाट इज कैटाबॉलिज्म? ये जो डेट्रिटस का सिंपल पार्टिकल था, डेट्रिटस सिंपल पार्टिकल, स्मॉलर साइज पार्टिकल, इसको अब कंप्लीटली आप कन्वर्ट कर दोगे इन ऑर्गेनिक सब्सटेंस में, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? कैटाबॉलिज्म। तोड़ दिया। कौन कराता है? माइक्रोब्स इन्वॉल्व्ड फॉर कैटाबॉलिज्म इज बैक्टीरिया एंड फंजाई। जो बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स होते हैं बेटा, उन एंजाइम्स की मदद लेकर के वो एंजाइम्स इसके ऊपर एक्ट करते हैं और फिर वही उसको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, या इनऑर्गेनिक फॉर्म भी कह सकते हो आप। ठीक है, आप लिख लो, दे रिलीज एंजाइम्स which bring about कैटाबॉलिज्म। जब कैटाबॉलिज्म कंप्लीट हो जाती है बेटा, तब जा कर के जिस ऑर्गेनिज्म को इन्होंने तोड़ा था, चाहे वो प्लांट हो चाहे एनिमल्स, उसके अंदर का मिनरल्स बाहर आ जाता है और इस फिनोमिना को मिनरलाइजेशन बोलते हैं। अगर पूरी की पूरी कैटाबॉलिज्म कंप्लीट नहीं हो रही है, पार्शियल डीकम्पोज्ड मैटर को हम ह्यूमस बोलते हैं और ह्यूमस के बनने को ह्यूमिफिकेशन बोलते हैं। कंफ्यूज मत होना, अभी मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाती हूँ। देखो जैसे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ये देखो एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते हैं। आ जाओ फटाफट एनसीईआरटी खोल लो मेरे साथ और एनसीईआरटी की लाइन पढ़ते हैं। ठीक है, तो आपने देखो क्या लिखा हुआ है, यू मे हैव हर्ड ऑफ द अर्थवर्म, जिनको रेफर किया जाता है फार्मर्स फ्रेंड, अभी मैंने आपको बताया। ऐसा इनको क्यों बोला जाता है? बिकॉज दे हेल्प इन ब्रेकडाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर एज वेल एज इन लूजनिंग ऑफ द सॉइल। दो रीजन की वजह से इनको किसानों का दोस्त कहा गया है। एक तो हमने पढ़ा, क्योंकि ये फ्रेगमेंटेशन में हेल्प करता है, जहां पर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को तोड़ करके उनके साइजेस को थोड़ा छोटा किया जाता है, सो दैट जब इंजाइम्स का एक्शन आए तो इंजाइम्स बेटर तरीके से उन पर काम कर पाए।
दूसरा है ये सॉइल को लूज बना करके फर्टिलिटी वगैरह इंक्रीज कराने में हेल्प करते हैं। सिमिलरली डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को कम्प्लीटली कन्वर्ट कर देते हैं इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स, यही हमने अपने नोट्स में लिखा है। इस प्रोसेस को हम डीकम्पोजिशन कहते हैं। किसका डीकम्पोजिशन होने वाला है? डेड प्लांट्स रिमेन्स एंड डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स। डेड प्लांट में क्या आ गया? लीव्स, बार्क एंड फ्लावर। डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स में क्या आ गया? फीकल मैटर। और यही डेड रिमेन्स प्लांट्स एंड एनिमल्स क्या बनाते हैं? डेट्रिटस। सब कुछ लिखा हुआ है ना, और डेट्रिटस का ही डीकम्पोजिशन होने वाला है, इसीलिए डेट्रिटस को रॉ मटेरियल ऑफ डीकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है। जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं, फ्रेगमेंटेशन है, लीचिंग है, कैटाबॉलिज्म है, ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन है। यही सीक्वेंस में आपको याद रखना, ये सीक्वेंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। फ्रेगमेंटेशन FLCHM, ठीक है। अब देखो क्या लिखा हुआ है, ये जो सबसे पहले डेट्रिटस पे वर्क करते हैं उनको छोटा बनाने के लिए, उनको डेट्रीवोर्स कहते हैं। तो जो अर्थवॉर्म और टर्माइट्स हमने यहाँ पर लिखे हैं बेटा, अर्थवॉर्म और टर्माइट्स, ये एक्चुअली में क्या है? डेट्रीवोर्स हैं। इनको डेट्रीवोर्स क्यों कहा गया है? एस या लिख सकते हो सिंस दे फीड ऑन डेट्रिटस, दे फीड ऑन डेट्रिटस। अगर आपसे पूछा जाए डेट्रीवोर्स को डिफाइन करो, तो डिफाइन कर देना, द ऑर्गेनिजम्स हु फीड ऑन डेट्रिटस दे आर कॉल्ड एज डेट्रीवोर्स। एग्जाम्पल्स पे अर्थवॉर्म और टर्माइट्स बता देना। बताना इनका काम कहाँ होता है? इनका काम होता है फ्रेगमेंटेशन वाले रोल में, जिसमें क्या करते हैं हम, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को कन्वर्ट करते हैं सिंपल फॉर्म में, छोटे छोटे टुकड़ों में। ठीक है, ये लिख दोगे आप। उसके बाद देखो आगे क्या लिखा हुआ है। ठीक है, जब डेट्रिवोर्स ब्रेक डाउन करते हैं डेट्रिटस को स्मॉलर पार्टिकल्स में, इस फिनोमिना को हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। इस दौरान क्या होता है? लीचिंग भी हो जाती है, मतलब जब ये स्मॉलर पार्टिकल में कन्वर्ट हो गया, उस दौरान बेटा वाटर सॉल्युबल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स गो डाउन इनटू द सॉइल होराइजन एंड दे गेट प्रेसिपिटेटेड एज अनअवेलेबल सॉल्ट्स। ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट का डेट्रिटस से निकल करके नीचे सॉइल में चले जाने को हम लीचिंग कहते हैं। अब क्या होगा, ये जो डेट्रिटस बना छोटे टुकड़ों में जिसको आपने कन्वर्ट किया है, इसको कंप्लीटली इनऑर्गेनिक में कन्वर्ट करने के लिए आपको कैटाबॉलिक ऑर्गेनिजम्स की मदद लेनी पड़ेगी, डीकम्पोजर्स की मदद लेनी पड़ती है, बैक्टीरिया एंड फंजाई। बैक्टीरिया एंड फंजाई इस डेट्रिटस पर एंजाइम सिक्रीट करके इसको कंप्लीटली इनऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, उस फिनोमिना को कैटाबॉलिज्म कहते हैं। देखो लिखा हुआ है, बैक्टीरिया और फंगल एंजाइम्स डिग्रेड कर देते हैं डेट्रिटस को इंटू अ सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, इस फिनोमिना को लिखते हैं कैटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म अगर कंप्लीटली हो गई तो डीकम्पोजिशन खत्म हो चुका है। सारे के सारे स्टेप्स बेटा साइमल्टेनियसली होते हैं, इतना टाइम लगा करके नहीं होते जितना टाइम आपको समझाया जाता है। दीज प्रोसेस अगर साइमल्टेनियसली, ऐसा एनसीईआरटी लिखती है। देखो, इट इज इंपॉर्टेंट टू नोट दैट कि जितने भी ऊपर के स्टेप्स हैं डीकम्पोजिशन में, ये साइमल्टेनियसली ऑपरेट होते हैं डेट्रिटस में। इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबॉलिज्म के अलावा एनसीईआरटी दो डेफिनेशन और बताती है, एक ह्यूमिफिकेशन और एक मिनरलाइजेशन। वो क्या भला है, सुन लो। ह्यूमिफिकेशन और मिनरलाइजेशन डीकम्पोजिशन के दौरान चलती है। ह्यूमिफिकेशन का मतलब होता है ह्यूमस का बनना, और व्हाट इज ह्यूमस, देखो लिखा हुआ है, ह्यूमिफिकेशन लीड्स टू एक्यूमुलेशन ऑफ डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस कॉल्ड ह्यूमस। ये हाईली रेजिस्टेंट है माइक्रोबियल एक्शन को एंड अंडरगोज डीकम्पोजिशन एंड एट एक्सट्रीमली स्लो रेट। इनका नेचर कैसा होता है? कोलॉइडल, और ये वर्क करते हैं एज अ रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तभी अगर ह्यूमस कंप्लीटली डिग्रेड हो जाए तो इसके अंदर का न्यूट्रिएंट बाहर आ जाता है। अब उसके अंदर का न्यूट्रिएंट जब बाहर हो जाएगा, उसी को हम मिनरलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, तो कैटाबॉलिज्म कंप्लीट होने से जस्ट पहले जो मटेरियल बनता है रिच इन न्यूट्रिएंट, उसको आप कह सकते हो ह्यूमस। ह्यूमस कंप्लीटली डिग्रेड हो जाए तो मिनरल्स आ जाते हैं, उसको आप मिनरलाइजेशन बोलते हो। ठीक है, ह्यूमस को फर्दर डिग्रेड कर सकते हैं कुछ माइक्रोब्स, और फर्दर डिग्रेड डिकम्पोज होने के बाद उसके अंदर का इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बाहर आ जाते हैं, उसी को हम बोलते हैं मिनरलाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट तो हम इसके बारे में लिख लेते हैं बेटा।
आप लिख लो, क्या लिखोगे? ऑल द अबव स्टेप्स, ऑल द अबव स्टेप्स अकर अकर साइमल्टेनियसली, साइमल्टेनियसली। फिर हमने क्या पढ़ा भी कि जो ह्यूमिफिकेशन है, ह्यूमिफिकेशन एंड मिनरलाइजेशन अकर्स ड्यूरिंग डीकॉम्पोजिशन, ड्यूरिंग डीकॉम्पोजिशन। अगर आपसे पूछा जाए डेफिनेशन तो डिफाइन कर देना। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। व्हाट इज ह्यूमिफिकेशन? इट इज फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। ह्यूमस क्या है? डार्क कलर्ड। एक एक पॉइंट लिख देते हैं ह्यूमस के लिए। डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस। और क्या लिखती है एनसीईआरटी? रिजर्वॉयर होता है किसका? न्यूट्रिएंट का, रिजर्वॉयर ऑफ न्यूट्रिएंट्स। और क्या लिखती है एनसीईआरटी? कोलॉइडल इन नेचर। और क्या लिखती है एनसीईआरटी? क्या लिखती है एनसीईआरटी? डीकॉम्पोजिशन एट स्लो रेट, डीकॉम्पोजिशन एट स्लो रेट। ठीक है, रिजर्वॉयर रिच न्यूट्रिएंट्स भी लिख दिया। मिनरलाइजेशन को कैसे डिफाइन करोगे? रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स वंस ह्यूमस इज कंप्लीटली डिग्रेडेड। देखो डेट्रिटस को आप डिग्रेड कर रहे हो, डेट्रिटस कंप्लीटली डिग्रेड ना हो, ठीक है, बट कंप्लीट से जस्ट पहले वाला स्टेज ह्यूमस है। ह्यूमस कंप्लीटली डिग्रेड हो जाए, उसके अंदर के न्यूट्रिएंट्स बाहर आ जाते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? मिनरलाइजेशन, कंप्लीटली डिग्रेड्स। ठीक है, तो हमने सारा का सारा पॉइंट भी लिख लिया, आप देख सकते हो। ठीक है, आपको समझा भी दिया गया है। देखो हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन, ठीक है, अच्छा ये वाला पॉइंट रह गया है, हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज ह्यूमिफिकेशन, ये सारे पॉइंट ह्यूमस वाले लिखोगे, हाईली रेजिस्टेंट टू माइक्रोबियल एक्शन। तो पॉइंट्स में लिखना भी इजी है और याद करना भी इजी है रादर देन पैराग्राफ। तो ये हमारा ख़त्म करता है सेकेंड फंक्शन जिसको हम कहते हैं डीकॉम्पोजिशन। एनसीईआरटी फिर हमें बताती है व्हाट आर द डिफरेंट फैक्टर्स जो डीकॉम्पोजिशन को इफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला फैक्टर आप देख सकते हो केमिकल नेचर लिखा हुआ है, जिसका आप डीकम्पोज करने वाले हो, ठीक है, उसका केमिकल नेचर कैसा है? बेटा अगर कोई बहुत हार्ड चीज़ है उसको तोड़ने में भी उतनी तकलीफ होती है ना, ठीक है, अगर कोई सिंपल चीज़ है तो उसको तोड़ना भी, अब लोहे को तोड़ना है और एक पापड़ तोड़ना है, फर्क समझ रहे हो? तो जिसका वो बना हुआ है उसका नेचर कैसा है उस हिसाब से तोड़ना इजी हो सकता है या टफ हो सकता है। सिमिलरली डेट्रिटस को तोड़ना है, डेट्रिटस को डीकम्पोज करना है। अब डेट्रिटस का केमिकल नेचर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो डीकम्पोजिशन है वो फास्ट होने वाली है या स्लो होने वाली है। तो अगर हम कहते हैं अगर इफ डेट्रिटस इज रिच इन, इफ डेट्रिटस इज रिच इन कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, लाइक टेनिन्स रेजिन्स एक्सेट्रा। तो ये कैसे कंपाउंड्स है बेटा? कॉम्प्लेक्स है, तो कॉम्प्लेक्स चीजों को तोड़ने में भी डिफिकल्टी आती है। देयरफोर डीकॉम्पोजिशन विल बी स्लो। ठीक है, अगर हमारा डेट्रिटस, इफ डेट्रिटस इज रिच इन वॉटर सॉल्युबल कंपाउंड्स, या
वो नाइट्रोजनस कंपाउंड्स होगा, तो डीकॉम्पोजिशन क्या हो जाएगी, इजी एंड फास्ट. देयरफोर डीकॉम्पोजिशन इन दिस केस इज फास्ट. तो डीकॉम्पोजिशन फास्ट है या स्लो है ये कौन डिटरमाइन कर रहा है, ये डेट्रिटस का केमिकल नेचर डिटरमाइन कर रहा है. अगर डेट्रिटस कॉम्प्लेक्स चीजों का बना हुआ है तो डीकॉम्पोजिशन भी फिर स्लो हो जाएगी. अगर डेट्रिटस सिंपल चीजों का, वाटर सॉल्युबल कंपाउंड जैसे चीजों का बना हुआ है, नाइट्रोजनस कंपाउंड जैसे चीजों का बना हुआ है, तो डीकॉम्पोजिशन भी फास्ट हो जाएगी. ठीक है, तो ये इस तरीके से हमने देखा कि कैसे एक डेट्रिटस का केमिकल नेचर डिटरमाइन कर रहा है डीकॉम्पोजिशन फास्ट होगा या स्लो होगा. नेक्स्ट है टेम्परेचर. आपको पता है बेटा डीकॉम्पोजिशन कराता कौन है, दिस इज डन बाय माइक्रोब्स लाइक बैक्टीरिया एंड फंजाय, है ना. ये तो छुपा हुआ नहीं है, बैक्टीरिया एंड फंजाय डीकॉम्पोजिशन कराते हैं. और आपको ये भी पढ़ाया गया था 11th क्लास में कि फंजाय का सबसे अच्छा टेम्परेचर क्या होता है, क्यों समर्स के टाइम पर बाहर रखते हो तो उसमें फंगस लग जाता है, बिकॉज वो उनका सबसे फेवरेट कंडीशन है ग्रो करने का, तभी तो हमें सामान फ्रिज में रखना पड़ता है. एक्चुअली वार्म और मॉइस्ट कंडीशन चाहिए होती, वार्म मतलब भाई 22-23 डिग्री टेम्परेचर इनको चाहिए. ठीक है, तो अगर 22-23 डिग्री वाला टेम्परेचर मिल रहा है तो अच्छे खासे डीकम्पोजर्स बैक्टीरिया एंड फंजाई की ग्रोथ हो रही है, और जम के ग्रोथ होगी तो जम के डीकम्पोजिशन करेंगे. जैसे जैसे टेम्परेचर घटता चला जाएगा ये ग्रो नहीं कर पाएंगे अच्छे से, और इनकी ग्रोथ नहीं होगी तो डीकम्पोजिशन फेवर भी नहीं होगा. तो टेम्परेचर का भी इम्पोर्टेंस है, देख सकते हो आप. जैसे ट्रॉपिक्स में एनसीईआरटी लिखती है, ट्रॉपिक्स में टेम्परेचर 23 डिग्री सेंटीग्रेड के अराउंड होता है. ठीक है, सो हेयर इन दिस टेम्परेचर डीकॉम्पोजिशन इज फास्ट. अगर टेम्परेचर घट जाए, इफ टेम्परेचर इज लेस देन 10 डिग्री सेंटीग्रेड, तो क्या होगा, इतने टेम्परेचर पर बेटा बैक्टीरिया फंजाई ग्रो नहीं कर पाएंगे अच्छे से. सो इतने टेम्परेचर पर डीकॉम्पोजिशन विल बी स्लो. क्यों स्लो हो जाएगी, सिंस दिस टेम्परेचर विल नॉट प्रोवाइड suitable environment required for the growth of microbes like bacteria and फंजाई, जो कि इंपॉर्टेंट डीकॉम्पोजर्स हैं. ठीक है, तो हमने टेम्परेचर का रोल देख लिया, केमिकल नेचर का भी रोल देख लिया. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मॉइस्चर. देखो बेटा, हर चीज के लिए ऑप्टिमम मॉइस्चर चाहिए, वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन. ठीक है, हमने क्या पढ़ा, वार्म जो टेम्परेचर में पढ़ लिया, एंड मॉइस्ट कंडीशन क्या करते हैं, दे फेवर्स द ग्रोथ ऑफ microbes which is involved in decomposition. ठीक है, तो मॉइस्चर चाहिए या नहीं चाहिए, बिल्कुल चाहिए. तो केमिकल नेचर भी इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर भी इंपॉर्टेंट है, कौन सा वाला टेम्परेचर डिस्कस कर लिया, मॉइस्चर की प्रेजेंस भी इंपॉर्टेंट है, और लास्ट जो है बेटा वो एरेशन है. अरेशन का मतलब क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन. बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि ये एनएरोबिक प्रोसेस होता है, नहीं, डीकॉम्पोजिशन इज अ एरोबिक प्रोसेस. डीकॉम्पोजिशन इज एरोबिक प्रोसेस.
अगर एनएरोबिक कंडीशन होगी तो डीकम्पोजिशन नहीं चलेगी, जिसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस जरूरी है, डेफिनेटली चाहिए होगी ना, हर चीज के ग्रोथ के लिए यू रिक्वायर ऑक्सीजन। तो माइक्रोब्स डीकम्पोजर्स जो डीकम्पोजिशन कराने वाले हैं उनके भी ग्रोथ के लिए रिक्वायर ऑक्सीजन, तो इनकी प्रेजेंस चाहिए। तो चार फैक्टर्स हैं जो डीकम्पोजिशन को तेज या कम या रोक सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ से क्या पढ़ा, ये देखो जस्ट अ सेकेंड, यहाँ से हम नोट पॉइंट अपना लिखते हैं। क्या नोट पॉइंट है कि टेम्परेचर और सॉयल मॉइस्चर जो है आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं जो रेगुलेट करते हैं डीकम्पोजिशन को। क्यों? क्योंकि जो टेम्परेचर है वो वार्म कंडीशन प्रोवाइड करता है, और वार्म कंडीशन और मॉइस्चर वाला कंडीशन किसके ग्रोथ को इफेक्ट करता है बेटा, सॉयल माइक्रोब्स डीकम्पोजिशन कराने वाले हैं। इसीलिए हम कहते हैं वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन उन माइक्रोब के ग्रोथ में हेल्प करती है जो डीकम्पोजिशन कराने वाले हैं, इसीलिए इन दोनों को सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कहा जाता है। आप ये भी कह सकते हो वार्म एंड मॉइस्ट कंडीशन डीकम्पोजिशन को फेवर करती है, वेयर एज अगर टेम्परेचर घटेगा या एनएरोबिक कंडीशन होगी तो वो डीकम्पोजिशन को स्लो डाउन कर देगी, और अगर एनएरोबिक कंडीशन तो एकदम ही इनहिबिट भी कर सकती है, ठीक है, ओके, क्योंकि ग्रोथ ही नहीं होने देगी। आप देखो ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के थ्रू ये डीकम्पोजिशन समझा रहे हैं सारे स्टेप्स। तो मेरे साथ खोल करके बैठो, मैं भी आपको ये डायग्राम्स दिखा दूंगी, समझा दूंगी। तो क्या है, ये एक पेड़ है, इस पेड़ की पत्ती गिर गई, अब पत्ती गिर गई है तो ये डेट्रिटस बन गई, ठीक है। अब ये पत्ती वहीं पड़ी रहेगी जन्मों जन्मों तक? नहीं, इसका होने वाला है डीकम्पोजिशन। तो डीकम्पोजिशन कौन करेगा, इसके ऊपर आएंगे अर्थवर्म्स, डेट्रिवर्स। तो आप देखो डेट्रिटस बन गया, अब ये नीचे आ गया मरने के लिए, डीकम्पोज होने के लिए, तो डेट्रिटस बन गया। अब इस डेट्रिटस पर देखो यहाँ पर आ चुका है अर्थवर्म, ठीक है, डेट्रिवर्स आ चुका है, तो डेट्रिवर्स इस पर फीड कर रहा है। तो देखो यहाँ लिखा हुआ है कि अ ग्रीन लीफ फॉल्स टू द ग्राउंड, कुछ ग्रीन लीफ को खा जाते हैं कुछ इंसेक्ट्स या कोई जानवर खा सकते हैं जो चर रहे होंगे, ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी एंटर इनटू द फूड वेब, ठीक है। इस तरीके से जो इस पे फीड गया वो एनर्जी तो फूड वेब और फूड चेन में चली गई। लेकिन अगर सारा का सारा नहीं खा रहे हैं, देखो यहाँ तुम्हें साइड साइड से कुतरा हुआ नजर आ रहा है कि किसी ने खा लिया है, बट पूरी की पूरी लीफ अभी किसी ने खाई नहीं है, है ना, मतलब अभी डिकम्पोज हो सकती है। कैसे होगी डिकम्पोज, इस पे सबसे पहले डेट्रिवर्स आते हैं, तो आप यहाँ पर देखो साइड में एक डेट्रिवर्स बना हुआ है, ठीक है। ये डेट्रिवर्स क्या करेंगे, इस लीफ पर अटैक करेंगे, इसको, इतनी बड़ी लीफ को, इसके अंदर का जो ऑर्गेनिक मैटर है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देंगे। इस स्टेप को क्या कहते हैं बेटा, फ्रेगमेंटेशन। तो यहाँ पर ये जो स्टेप हो रहा है इसको क्या बोल रहे हैं, हम फ्रेगमेंटेशन। अब फ्रेगमेंटेशन के दौरान ये जो मिट्टी में चल रही है इसमें से कुछ ऐसे सब्सटेंस हो सकते हैं वाटर सॉल्युबल जो सीधा यहाँ से कहाँ घुस जाएंगे, सॉइल में अंदर चले जाएंगे, ठीक है, एकदम ही लेयर जहाँ तक आप नहीं जा सकते वहाँ तक पहुँच सकते हैं। अब ये प्रोसेस से क्या समझा रहे हैं, इस प्रोसेस से ये लीचिंग दिखा रहे हैं। तो देखो लिखा भी हुआ है इस प्रोसेस से, इस एरो से ये लीचिंग दिखा रहे हैं। तो क्या लिखा हुआ है, सम न्यूट्रिएंट्स लीच इनटू द सॉइल बाय केमिकल एक्शन, ठीक है। ये इस प्रोसेस से ये जो डेट्रिवर्स का अटैक दिखा रहे हैं ये एक फ्रेगमेंटेशन को समझा रहे हैं। अब फ्रेगमेंटेशन से तुमने सिर्फ क्या किया है, तुमने बड़े बड़े पार्टिकल को छोटे छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट कर लिया है, जैसे हम बड़े बड़े रोटी का निवाला को छोटे छोटे में कन्वर्ट कर लेते हैं सो दैट एंजाइम एक्शन बेटर हो सके, है ना, जब एंजाइम उस पर एक्ट करे तो बेटर एक्ट कर सके। अब क्या होगा, क्या ये कम्प्लीटली टूट चुका है, ये अभी भी ऑर्गेनिक फॉर्म में है, ये अभी भी ऑर्गेनिक फॉर्म में है। कम्प्लीटली टूटना हम तब बोलते जब वो इनऑर्गेनिक में बदल जाती, तो फ्रेगमेंटेशन में ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में ही है, कम्प्लीटली इसका मतलब नहीं टूटा है। ये कम्प्लीट तब टूटेगा जब इस पर कौन एक्ट करेगा, ये है फंजाई। फंजाई कौन सी प्रोसेस कराते हैं, कैटाबॉलिज्म, और कैटाबॉलिज्म में क्या होता है बेटा, ऑर्गेनिक सिंपल ऑर्गेनिक कन्वर्ट हो जाता है इनऑर्गेनिक पे, और अब जाकर के क्या होती है बेटा, हमारी डीकम्पोजिशन खत्म होती है। तो देखो लिखा हुआ है कि जो लीव्स है वो पार्शली कंज्यूम कर लेते हैं डीकम्पोजर सच एज फंजाई एंड बैक्टीरिया एंड दे बिगेन टू फॉर्म लूज फॉर्म एंड बिकम लिटर, ठीक है। ये देखो लिखा हुआ है, फर्दर डिकम्पोजिशन अकर्स बाय बैक्टीरिया सॉइल माइट्स एंड फंजाई और अल्टीमेटली इनको डिकम्पोज करके मिट्टी में मिला देते हैं। अब जो भी इनके अंदर का, इस लीफ के अंदर का न्यूट्रिएंट था सारा का सारा सॉइल में आ गया,
ठीक है, जो भी न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन वगैरह जो भी था, अब फिर से चाहे वो नाइट्रोजन सॉइल के पास आ चुका है, अब वो सॉइल को से कहाँ एब्जॉर्ब करके कहाँ चला जाएगा, प्लांट के पास। तो ये क्या हुई, साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट हुई। अगर ये ना हो तो इस पत्ती के मरने के साथ वो इसके अंदर का जो न्यूट्रिएंट था वो भी मर जाएगा। इसीलिए डीकम्पोजिशन बहुत ज़रूरी है कि जो भी मरता है उसके अंदर इतने सारे नाइट्रोजन है, इतना सारा मिनरल है, उसको ज़मीन में सॉइल में फिर से लाया जाए। तो ये इंपॉर्टेंस होती है डीकम्पोजर्स की, और ये इंपॉर्टेंस होता है डीकम्पोजिशन का। ठीक है जी, अब आप देख सकते हो एनसीईआरटी यहाँ पर लिखा हुआ है कि डीकम्पोजिशन एक ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस है, इसीलिए मैंने बोला था ये एरोबिक प्रोसेस है। इसको कंट्रोल कौन करता है, केमिकल कंपोजिशन, ठीक है, डेट्रिटस का और क्लाइमेटिक फैक्टर्स। अगर पर्टिकुलर क्लाइमेटिक कंडीशन हो तो डीकम्पोजिशन रेट स्लो हो सकता है इफ़ डेट्रिटस हमारे लिग्निन और काइटिन जैसे कॉम्पोनेंट्स में रिच हो, क्योंकि लिग्निन और काइटिन एक कॉम्प्लेक्स चीज़ है, ठीक है। और डीकम्पोजिशन फास्ट हो सकता है अगर वो रिच हो नाइट्रोजन और वाटर सोल्यूबल सब्सटेंस में जैसे शुगर। टेम्परेचर और सोइल मॉइस्चर सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होते हैं जो डीकम्पोजिशन को रेगुलेट करते हैं, ये पॉइंट मैंने आपको लिखवा दिया है, ठीक है। तो डीकम्पोजिशन जी हमने कर लिया, अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, नेक्स्ट हमारा फंक्शन जिसका नाम है एनर्जी फ्लो। क्या नाम है उसका, एनर्जी फ्लो। ओके, नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे बेटा, जैसा कि मैंने आपको बताया नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं एनर्जी फ्लो वाला फंक्शन। तो एनर्जी का फ्लो आपको मैंने पहले भी बताया, जब ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म को खाता है, कंज्यूम करता है, तो एनर्जी का ट्रांसफर होता है। एनसीईआरटी क्या लिखती है बेटा कि सन एक लौता सोर्स है एनर्जी का, सारे के सारे इकोसिस्टम जो अर्थ पे ऑपरेट होते हैं एक्सेप्ट हाइड्रोथर्मल इकोसिस्टम, जो डीप डाउन जहाँ का टेम्परेचर, जैसे मैंने आपको बताया ना ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं बेटा पानी में जहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर, और वैसे भी डीप डाउन दी वाटर बॉडी, बेटा सन तो जा ही नहीं रही ना, पढ़ाया था ना आपको ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन में, डीप डाउन दी वाटर बॉडी यहाँ तक लाइट पहुँच रही है क्या, नहीं, देयर इज़ नो लाइट। तो यहाँ पर कोई प्लांट रह सकता है फोटोसिंथेसिस के लिए, नहीं। तो यहाँ पर क्या सन अवेलेबल है, नो सनलाइट, ठीक है, यहाँ पर सन की लाइट पहुँच ही नहीं रही, तो काम क्या दिखाएगी अपना। यहाँ पर कौन प्रेजेंट होते हैं बेटा, बैक्टीरिया, और ये बैक्टीरिया यहाँ पर एज अ प्रोड्यूसर एक्ट करते हैं। कौन से बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम है कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, ठीक है, 11th क्लास में पढ़ा था ना कि कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं दे आर ऑटोट्रॉफ्स। कीमो का मतलब क्या होता है बेटा, कीमो का मतलब होता है केमिकल्स, ये केमिकल्स वगैरह को तोड़ करके, कौन से इनऑर्गेनिक केमिकल्स को तोड़ करके अपने न्यूट्रिशन की, एनर्जी की देखभाल कर सकते हैं, अपने खाने की देखभाल कर सकते हैं, दैट इज़ वाई इनको ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया कहा गया है, क्योंकि नीचे लाइट अवेलेबल नहीं है, तो वहाँ पर कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया एक्ट एज प्रोड्यूसर, ठीक है, अदरवाइज नहीं तो बाकी लोगों के लिए जो सूरज भगवान की लाइट है, ठीक है, वही हर जगह जा रही है और यही सोर्स है लाइट का सारे के सारे इकोसिस्टम के लिए। प्लांट्स इसी लाइट को इस्तेमाल करती है क्या करने के लिए, फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और क्या करके बनाती है बेटा, ग्लूकोज इससे बनाती है। अच्छा, क्या सारे के सारे रेडिएशन को इस्तेमाल करते हैं, नहीं, सिर्फ फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन विजिबल रेंज वाले स्पेक्ट्रा को यूटिलाइज किया जाता है। तो क्या अगर 100% लाइट है तो सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाती है, नहीं, एनसीईआरटी लिखती है लेस देन 50% ऑफ पार क्या होता है बेटा, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। एनर्जी फ्लो वाला लाइन उठाओ एनसीईआरटी का, उसमें लिखा हुआ है दिस इज यूटिलाइज्ड बाय प्लांट्स किस पर्पस के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, फॉर फोटोसिंथेसिस। और क्या लिखती है एनसीईआरटी एनर्जी के रिस्पेक्ट में, तो देखो क्या लिखा हुआ है,
एनसीईआरटी लिखती है कि एनर्जी कभी किसी एक परमानेंट जगह पर एक ऑर्गेनिज्म में ट्रैप होकर के नहीं रखती। जैसे यहाँ पर ये सनलाइट की जो एनर्जी थी वो किसने ट्रैप की? प्लांट्स में, प्लांट्स ने ले ली वो एनर्जी। तो क्या ये एनर्जी प्लांट्स तक ही सीमित है? नहीं। अब जो भी प्लांट्स को खाएगा तो वो एनर्जी फ्लो हो जाएगी, एनर्जी को आप ट्रैप करके नहीं रख सकते हो, ठीक है। एनर्जी इकोसिस्टम में फ्लो करती है, उसी को एनर्जी फ्लो कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था? सबसे पहले एनर्जी कहाँ थी? सन के पास थी, ठीक है। किस फॉर्म में थी? फिजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी थी। इस फिजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को किसने ट्रैप किया? इसको ट्रैप किया प्लांट्स ने, ठीक है। क्या कन्वर्ट कर लिया? केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी ग्लूकोज। इसीलिए हम प्रोड्यूसर्स को, प्लांट्स को कन्वर्टर्स कहते हैं, क्योंकि एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। और हमारे थर्मोडायनेमिक्स का पहला लॉ है ना, वो सेटिस्फाई होता है एनर्जी फ्लो में। क्या? एनर्जी को आप तोड़ते नहीं हो, डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ना क्रिएट कर सकते हो। आप सिर्फ एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करते हो। यही तो हो रहा है, हम फिजिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी को केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्या तोड़ रहे हैं, क्या क्रिएट कर रहे हैं? नहीं। अब ये जो एनर्जी यहाँ पर आई है, ये यहीं तक सीमित है? नहीं। इसको कौन खा सकता है बेटा? हर्बीवोर्स। तो एनर्जी क्या हो जाएगी? एनर्जी विल फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू हर्बीवोर्स। आप ट्रैप नहीं कर पाए। अच्छा, अब जो एनर्जी हर्बीवोर्स के पास है, क्या तुमने उसको ट्रैप कर लिया? नहीं। अब ये एनर्जी फिर से फ्लो हो सकती है जो भी हर्बीवोर को खाएगा। हर्बीवोर को जो खाता है, हम उसको क्या कहते हैं? कार्निवोर। तो इस प्रकार से एक दूसरे को खा खा के एनर्जी का फ्लो इकोसिस्टम में कराया जा सकता है। एनर्जी ना तोड़ी जा सकती है, ना प्रोड्यूस की जा सकती है, इसको सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है। ना तो एनर्जी को किसी एक ऑर्गेनिज्म के अंदर ट्रैप किया जा सकता है। यही लिखा हुआ है, देखो, एनर्जी डज नॉट रिमेन ट्रैप्ड परमानेंटली इन एनी ऑर्गेनिज्म। या तो ये पास की जाती है हायर ट्रॉफिक लेवल में, या अगर मान लो इसको कोई खाया नहीं और ये मर गया, तो इसकी एनर्जी कहाँ चली जाएगी? डेड रिवोर्स को चली जाएगी। तो देखा, लिखा हुआ है, या तो इट विल बिकम अवेलेबल टू द डेड रिवोर्स या डीकम्पोजर्स, जो उनको डीकम्पोज करने में इस्तेमाल की जाएगी। एनर्जी जो इकोसिस्टम में फ्लो करती है, दैट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल और एक तरफ। ऐसा तो नहीं एनर्जी कार्निवोर से ट्रैवल करके सन के पास जाएगी। सन से ही एनर्जी आ रही ना, सन ही एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है, तो सन से सीधा हर्बीवोर में जा सकती है, फिर प्रोड्यूसर में चली जाए, फिर कार्निवोर में चली जाए? नहीं। इसका एक ही वे है जाने का, और वो वे क्या है? सोलर रेडिएशन। सोलर रेडिएशन से जो एनर्जी है वो प्रोड्यूसर में फ्लो करती है, प्रोड्यूसर से हर्बीवोर में, हर्बीवोर से कार्निवोर में, दिस डायरेक्शन। इसलिए इसको यूनी डायरेक्शनल फ्लो ऑफ एनर्जी कहते हैं, हमारी एनसीईआरटी लिखती है, ठीक है। अब जो मैंने आपको लॉ बताया है, तो एनर्जी फ्लो हमारे लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को फॉलो करती है। पहला लॉ ये कहता है, एनर्जी ना तो क्रिएट होगी ना डिस्ट्रॉय होगी, इट ओनली बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी टू द अदर। आप सबको पता होगा, मैंने अभी प्रूफ भी कर दिया। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या कहता है? कोई भी एनर्जी का ट्रांसफर तब तक नहीं हो सकता, देखो 100% एनर्जी नहीं जाती, कि जो भी 100% एनर्जी है प्लांट से हर्बीवोर्स, हर्बीवोर से कार्निवोर्स, कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी हीट के फॉर्म में निकल जाती है, और जब तक ये लॉस ना हो तब तक ट्रांसफर भी नहीं हो सकता। तो देखो क्या लिखा हुआ है, नो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी अकर्स अनलेस एंड अनटिल इट इज अकम्पनीड बाय डिग्रेडेशन और डिसिपेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है। ये मैंने आपको एक दिखाया भी था ना बेटा, एक आपको फ्लो चार्ट इसके पहले दिखाया था ना, एक सेकेंड, यस, उसमें यही तो दिखा रहे थे। जस्ट अ सेकेंड, लेट मी ऐड दैट स्क्रीनशॉट। ओके, सो स्क्रीनशॉट देखते हैं बेटा, आप सब लोग अपनी कॉपी खोल लो, और होप आपको ये स्क्रीनशॉट याद होगा, क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि हमारे इकोसिस्टम में वी डोंट ओनली हैव बायोटिक कंपोनेंट्स, बट हमारे पास डीकम्पोजर्स
भी प्रेजेंट होते हैं, मतलब बायोटिक कंपोनेंट्स में डीकम्पोजर्स भी होते हैं, ठीक है। और अब मैं जो आपको इस डायग्राम में समझाने वाली हूँ, ये समझाने वाली हूँ कि सन से देखो एनर्जी पास हो रही है, प्लांट्स पर गई, प्लांट्स के बाद हर्बीवोर्स पे गई, हर्बीवोर्स के बाद कंज्यूमर्स पे गई, कंज्यूमर्स के बाद टॉप कॉर्निवोर्स पर गई। तो एनर्जी का फ्लो देखो यहाँ से समझ में आ रहा है, यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है। अब यहाँ से मैं ये समझा रही हूँ, ये जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है जब सन से प्लांट पर आ रही है, तो भी यहाँ पर कुछ एनर्जी हीट के फॉर्म में निकल रही है। जब तक ये एनर्जी कुछ हीट के फॉर्म में लॉस नहीं होगी, एनर्जी ट्रांसफर नहीं हो सकता। सिर्फ इस लेवल पे नहीं, हर लेवल पर। ये देखो अब क्या हो रहा है, इसकी एनर्जी यहाँ ट्रांसफर हो रही है, बट उसी ट्रांसफर के दौरान आप देखो कुछ फॉर्म ऑफ द एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो रही है। यहाँ पे भी इसकी एनर्जी इस बर्ड तक तो जा रही है, बट कुछ फॉर्म ऑफ एनर्जी हीट के फॉर्म में लॉस हो रही है। यहाँ पर भी जब ये इस टॉप बड़ी वाली बर्ड के पास जा रही है एनर्जी का ट्रांसफर, तो उसी टाइम पर इट इज एकम्पनीड बाय द लॉस ऑफ हीट। अगर ये लॉस ऑफ हीट ना हो तो एनर्जी का ट्रांसफर भी नहीं हो सकता। और ये हमारा कौन सा लॉ होता है बेटा, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कि कोई एनर्जी का ट्रांसफर तब तक पॉसिबल नहीं है अनटिल एंड अनलेस इट इज एकम्पनीड बाय द लॉस ऑफ हीट। यहाँ पर भी देखो ना, जब ये सब मर जाएंगे और इन पर डेट्रीवोर्स फीड करेंगे, तो भी आप देखो हर जगह पर यू कैन सी देयर इज अ लॉस ऑफ हीट, तभी इनकी एनर्जी डेट्रीवोर्स के पास ट्रांसफर हो पाएगी, ठीक है। सो दिस इज द सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो मुझे आपको दिखाना था। नेक्स्ट हम क्या पढ़ने वाले हैं, एनर्जी का फ्लो का इंट्रोडक्टरी सेक्शन हमने पढ़ लिया, एनसीईआरटी में जो लॉज लिखे हुए थर्मोडायनेमिक्स के हमने वो पढ़ लिए, हमने कुछ कंसेप्ट पढ़ लिया कि डायरेक्शनल हमेशा एक ही तरफ होता है, हमने ये भी देख लिया जहाँ पर सन नहीं है वहाँ पर सोर्स कौन है लाइट का, वी हैव या डन। अब हमें देखना है कि वो एनर्जी की फ्लो की जो हम बात कर रहे हैं वो कैसे हो रहा है, इसकी एनर्जी यहाँ तक कैसे पहुँच रही है जब ये इसको खा रहा है, इसकी एनर्जी यहाँ तक कैसे पहुँच रही है जब इस बर्ड ने इसको खाया, इस बड़े से बर्ड की को एनर्जी कैसे मिल रहा है जब इसने इसको खाया, है ना। तो ये क्या है, एक दूसरे को खाने की प्रक्रिया है और खुद दूसरे का खाना बन जाना है। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा, फूड चेन। सो हाउ यू गोना डिफाइन फूड चेन, आप फूड चेन को डिफाइन करोगे, इट इज द प्रोसेस ऑफ ईटिंग, इट इज द प्रोसेस ऑफ ईटिंग and being eaten by other organism, by other organism, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, this process is known as food chain, ठीक है। जैसे मैंने आपको example बताया हुआ है पहले भी, for example एक और line लिख लेते हैं, each level in food chain is known as trophic level. Trophic level को define करने के लिए भी आ सकता है बेटा, trophic का मतलब क्या होता है, trophic means nutrition, और ये जो एक दूसरे को खा रहे हैं ये nutrition के लिए तो खा रहे हैं। अब ये न्यूट्रिशन जिस लेवल पर चल रही है, अगर लेवल नंबर वन पर होगी तो ट्रॉफिक लेवल वन कहा जाता है, लेवल नंबर टू पर होगी तो ट्रॉफिक लेवल टू कहा जाएगा। तो जितने भी लेवल्स फूड चेन में ऑपरेट होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, ट्रॉफिक लेवल। जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा, अगर मैं एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में फूड चेन का एग्जाम्पल लिखूं, एक टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में फूड चेन का एग्जाम्पल लिखूं तो कैसे लिखूंगी, ये देखो घास है, घास को किसने खाया, ग्रास हॉपर ने खाया, ग्रास हॉपर को किसने खाया बेटा, फ्रॉग ने खाया, वही मेरा ट्रेडिशनल एग्जाम्पल जो आपने ऑलरेडी लिख लिया है। फ्रॉग को किसने खाया, स्नेक ने खाया, स्नेक को खाया बड़ी सी बर्ड ने, ठीक है। मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है ग्रास कौन सी लेवल पर है, प्रोड्यूसर लेवल पर है, प्रोड्यूसर को जो खाए वो कंज्यूमर कहलाता है, कौन सा कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर, प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाए वो सेकेंडरी कंज्यूमर कहलाता है, या आप कह सकते हो वो प्राइमरी कार्निवोर कहलाता है। इसके लिए भी, इस ट्रॉफिक लेवल्स के लिए भी एनसीईआरटी में एक है जो मैंने आपको ऑलरेडी पिछले लेक्चर में दिखा रखा है, स्नेक जब फ्रॉग को खाता है, फ्रॉग क्या है, सेकेंडरी कंज्यूमर है, तो इस दौरान ये क्या बन जाएगा, सेकेंडरी कंज्यूमर, ठीक है, या आप इसको बोलते हो सेकेंडरी कार्निवोर, और इसको तुम सीधा सीधा
टॉप कार्निवोर या टॉप कंज्यूमर बोल सकते हो। तो कितने लेवल हो गए? दिस इज द प्रोड्यूसर लेवल ट्रॉफिक लेवल 1, दिस इज द कंज्यूमर लेवल ट्रॉफिक लेवल 2, ये कार्निवोर है प्राइमरी ट्रॉफिक लेवल 3, ये क्या हो गया ट्रॉफिक लेवल 4, ये क्या हो गया ट्रॉफिक लेवल 5। ठीक है, तो जितने भी लेवल्स इन्वॉल्व होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ट्रॉफिक लेवल। सिमिलरली मैं एक एक्वेटिक फूड चेन का भी एग्जाम्पल ले सकती हूँ जो पानी में चलेगा। तो पानी में क्या होते हैं बेटा? प्रोड्यूसर के नाम पर फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं। फाइटो मतलब प्लांट, प्लैंक्टोनिक मतलब माइक्रोस्कोपिक। ठीक है, ये ट्रॉफिक लेवल 1 है। उसके बाद जो इसको खाए, कौन खाता है इनको? जू प्लैंक्टन्स। तो जू प्लैंक्टन्स क्या है? हर्बीवोर्स, ट्रॉफिक लेवल 2। जू प्लैंक्टन्स को कौन खा जाते हैं बेटा? स्मॉल फिश। तो स्मॉल फिश क्या हो गए? ट्रॉफिक लेवल 3। स्मॉल फिश को कौन खा जाता है बेटा? लार्ज फिश। तो लार्ज फिश क्या हो गए? ट्रॉफिक लेवल 4। लार्ज फिश को खा जाते हैं बर्ड्स। बर्ड्स का कौन सा लेवल हो गया? ट्रॉफिक लेवल 5। अब आपका एक होमवर्क है। होमवर्क क्या है सुनी लो। ये हो गए प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को जो खाए कंज्यूमर, कंज्यूमर को जो खाए ये कार्निवोर, कार्निवोर को खाने वाला हमारा क्या हो जाएगा? सेकेंडरी कार्निवोर। और जो सबसे लास्ट में वो टॉप कार्निवोर या टॉप कंज्यूमर, जैसा हमने ऊपर के लिए लिखा है। ठीक है, तो दोनों जगह मैंने 5-5 ट्रॉफिक लेवल लेकर के आपको सारे नाम, डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स, कब कब प्राइमरी बोलोगे, कब सेकेंडरी बोलोगे, सब कुछ लिखवा दिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ फूड चेन। तो कितने टाइप्स ऑफ फूड चेन है बेटा? 3 टाइप्स ऑफ फूड चेन है। एनसीईआरटी में ग्रेजिंग और डेट्रिटस वाला है, एक मेरी तरफ से आपके लिए पैरासिटिक फूड चेन, जो बाकी के स्टेट बोर्ड्स वाले भी देख सकते हैं। ठीक है, तो ग्रेजिंग फूड चेन मतलब एक दूसरे को, और इसको हम प्रीडेटर भी बोलते हैं। जैसे क्या कर रहे हैं इसमें? एक दूसरे को खा रहे हैं, इसमें भी एक दूसरे को खाया जा रहा है। इस प्रकार के खाने वाले फूड चेन को ग्रेजिंग फूड चेन या प्रीडेटर फूड चेन कहते हैं। अब जरूरी नहीं बेटा ये एक दूसरे को खाई, हो सकता है कोई मर जाए। ठीक है, उसको डिकम्पोज करने के लिए फिर डेट्रिवोर्स लग जाएंगे। तो जब हमारा फूड चेन डेट्रिटस से शुरू होता है, डेड डिकेइंग मैटर से शुरू होता है, उसको हम डेट्रिटस फूड चेन कहते हैं। और डेड डिकेइंग मैटर पे फीड करने वाले ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? सेप्रोट्रॉफ्स कहते हैं। इसीलिए इस प्रकार के फूड चेन को सेप्रोफिटिक फूड चेन कहते हैं। ये पैरासिटिक फूड चेन क्या होता है मैं आपको पढ़ाऊंगी, वेट करो। अब एक एक करके सारे फूड चेन को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं, एनसीईआरटी की बातें लिखते हैं। तो सबसे पहला फूड चेन आप देख सकते हो क्या है बेटा? ग्रेजिंग फूड चेन। क्या है? ग्रेजिंग फूड चेन। ग्रेजिंग फूड चेन में क्या क्या कॉम्पोनेंट्स आते हैं? ग्रेजिंग फूड चेन में हमारे प्रोड्यूसर्स आते हैं। ऑब्वियसली ग्रेजिंग फूड चेन, हर एक फूड चेन प्रोड्यूसर लेवल से स्टार्ट होती है, डेट्रिटस वाले को छोड़ करके। ठीक है, और क्या आता है? कंज्यूमर्स, और जो मर जाए उनको डिकम्पोज करने के लिए डिकम्पोजर्स। जैसे ये डायग्राम देखो, यहाँ पर ये प्रोड्यूसर हो गया, ये सारे के सारे क्या हो गए? कंज्यूमर हो गए। तो प्रोड्यूसर भी है इस फूड चेन में, कंज्यूमर भी है और डीकम्पोजर्स भी हैं। तो ग्रेजिंग फूड चेन में, ये ग्रेजिंग फूड चेन का एग्जांपल, एक दूसरे को खा रहे हैं ना, तो ग्रेजिंग फूड चेन, प्रीडेटर फूड चेन। और आप देख सकते हो एक प्रीडेटर और ग्रेजिंग फूड चेन में तीनों कॉम्पोनेंट्स रहते हैं, डीकम्पोजर्स को भूलना नहीं है। इनको जो एनर्जी का सोर्स है, इनके एनर्जी का सोर्स एकमात्र एक ही तो है, सन है। तो यही एनसीईआरटी लिखती है कि इनके लिए एनर्जी का जो सोर्स है दैट इज सन। और इस प्रकार का फूड चेन कौन से इकोसिस्टम में ज्यादा चलता है? टेरेस्ट्रियल या एक्वेटिक? तो आप बोलोगे एक्वेटिक इकोसिस्टम। पानी में, तालाब हो चाहे रिवर हो चाहे ओशन हो, किस प्रकार का फूड चेन इज मोर कॉमन? जीएफसी इज मोर कॉमन। ऐसा नहीं है बेटा कि यहाँ पर डेट्रिटस वाला नहीं चलता होगा, डेट्रिटस वाला भी चल सकता है। बट हम क्या पढ़ रहे हैं? हम ये पढ़ रहे हैं कि एक्वेटिक बॉडी में रहने वाले जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें जो एनर्जी का फ्लो है वो ज़्यादातर एक दूसरे को खा खा करके पूरा करते हैं, क्योंकि पानी में डीकम्पोजिशन नीचे चलेगी, ऑक्सीजन की कमी होती ना, इसीलिए यहाँ पर डेट्रिटस वाला फूड चेन इतना कॉमन नहीं हो सकता। चल सकता है बट इतना कॉमन नहीं होता। पानी में जो एनर्जी का फ्लो ज्यादातर देखा गया है
कंडुइट का मतलब होता है कंडक्शन. तो पानी वाले इकोसिस्टम में, पानी वाले बॉडी में जो एनर्जी का फ्लो देखा गया है वो कैसे बीट करते हैं ऑर्गेनिज्म एक दूसरे को खा खा करके. इसीलिए एनसीईआरटी लिखती है कि जो ग्रेजिंग फूड चेन है दैट इज मेजर कंडुइट ऑफ एनर्जी फ्लो इन एक्वेटिक इकोसिस्टम. ठीक है, नेक्स्ट हम किसकी बात करेंगे, डीएफसी की. अच्छा, उससे पहले सेम एग्जाम्पल मैंने आपको लिखवाया हुआ है ग्रेजिंग फूड चेन के. टेरेस्ट्रियल में देखो मैंने यही लिखवाया हुआ है, ग्रास को ग्रास हॉपर को फ्रॉग, फ्रॉग को स्नेक, स्नेक को ईगल ने खा लिया. तो ग्रास प्राइमरी प्रोड्यूसर है. ग्रास क्या है बेटा, प्राइमरी प्रोड्यूसर. ग्रास हॉपर प्राइमरी कंज्यूमर, फ्रॉग सेकेंडरी कंज्यूमर, स्नेक टर्शियरी कंज्यूमर और ईगल टॉप कंज्यूमर. इन्होंने कार्निवोर नहीं लिखा है, मैंने आपको कार्निवोर वाला भी लिखवाया हुआ है. ठीक है, दिस इज टॉपिक लेवल 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4, दिस इज 5. ये सारे पानी में मिलते हैं? नहीं, ये सारे टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम वाले हैं. तो ये फूड चेन भी टेरेस्ट्रियल फूड चेन कही जाती है. ठीक है, अब एक्वेटिक फूड चेन का एग्जाम्पल देख लो. एक्वेटिक फूड चेन में फाइटोप्लैंक्टन, फाइटोप्लैंक्टन को कौन खा गया, जू प्लैंक्टन को स्मॉल फिश, स्मॉल फिश को लार्ज फिश, लार्ज फिश को बर्ड्स को भी खिला सकते हो. तो सेम एक्वेटिक फूड चेन का एग्जांपल मैंने आपको लेकर के समझाया हुआ है सारे लेवल्स. ठीक है, तो देखो ये जो जीएफसी वाली फूड चेन है, प्रीडेटर फूड चेन है, ये टेरेस्ट्रियल में भी चल सकती है, एक्वेटिक में भी चल सकती है, बट एक्वेटिक में ये ज्यादा कॉमन है. ठीक है, नेक्स्ट टाइप जो हम पढ़ने वाले हैं फूड चेन का, दैट इज डेट्रिटस फूड चेन. अब यहाँ पर जो कहानी है वो किससे शुरू होती है बेटा, इट स्टार्ट्स विद डेट्रिटस. कोई मर गया है तो वो डेट्रिटस हो गया. अब डेट्रिटस से जब कोई फूड चेन शुरू होती है, फ्लो शुरू होता है एनर्जी का, हम उसको डेट्रिटस फूड चेन बोलते हैं. तो देखो लिखा हुआ है, इट बिगेन्स विद डेट्रिटस या डेड ऑर्गेनिक मैटर. ठीक है, इसमें कौन कौन ऑर्गेनिज्म होंगे बेटा, इसमें डीकम्पोजर्स होते हैं. ठीक है, ये किस प्रकार के ऑर्गेनिजम्स हैं, हेटरोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स हैं, फंजाई और बैक्टीरिया. यहाँ पर आपको प्लांट्स नहीं दिखाई दे रहा है. अब अर्थवर्म सबसे पहले डेट्रिटस को खाता है. अर्थवर्म को कौन खा जाएगा, स्पैरो, स्पैरो को और बड़ी सी बर्ड फाल्कन खा जाती है. टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में ज्यादातर एनर्जी का जो फ्लो है वो इस प्रकार के फूड चेन से देखा गया है. इसका मतलब ये नहीं कि टेरेस्ट्रियल में ग्रेजिंग नहीं चलता है. देखो टेरेस्ट्रियल में ग्रेजिंग भी चल सकता है, बट ज्यादातर टेरेस्ट्रियल में जो एनर्जी का फ्लो देखा गया है बेटा वो डेट्रिटस फूड चेन के थ्रू देखा गया, ऐसा एनसीईआरटी हमारे लिखती है. ठीक है, ये देखो लिखा हुआ है, इन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम अ मच लार्जर फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्लोज थ्रू डीएफसी रादर देन जीएफसी. नेक्स्ट आप क्या देखोगे, पैरासिटिक फूड चेन. पैरासिटिक फूड चेन क्या होता है, अब देखो अभी तक हम पढ़ रहे थे फूड चेन में कि जैसे जैसे आप ट्रॉफिक लेवल की तरफ बढ़ते चले जा रहे हो, ऑर्गेनिज्म की साइज बढ़ती चली जा रही है. ये माइक्रोस्कोपिक थे, तुम लार्ज फिश तक पहुंच गए, साइज बढ़ गई. पैरासिटिक फूड चेन ऐसा फूड चेन है बेटा जिसमें साइज ऑर्गेनिज्म की घट रही है जैसे जैसे ट्रॉफिक लेवल बढ़ रहा है. जैसे सबसे पहले ट्री, बहुत बड़ा एक ट्री है, इस ट्री के ऊपर, ट्री वाला सबसे पहला ट्रॉफिक लेवल, इस ट्री के ऊपर कौन रह रहा है बेटा, हर्बीवोरस बर्ड्स. ठीक है, इसके प्रोडक्ट पे फीड कर रहे हैं, कुछ कुछ मटेरियल हमारे इससे खा रहे हैं, प्लांट से. ठीक है, ट्री से कुछ कुछ मटेरियल खा रहे हैं. ठीक है, तो ट्री के ऊपर कौन रह रहा है, हर्बीवोरस बर्ड्स. ठीक है, हर्बीवोर बर्ड्स के ऊपर बेटा इनके ऊपर जुए हैं और कुछ बग्स हैं. ठीक है, एज अ पैरासाइट. तो इस प्रकार के फूड चेन को देखो, ये क्या करेंगे, लाइज एंड बग्स, इससे न्यूट्रिशन ले रहे हैं. और ये किससे न्यूट्रिशन ले रहा है, ट्री से ले रहा है, ट्री का सामान खा रहा है, ट्री का सीड खा रहा है. ठीक है, प्लांट का. तो आप ये देखो, इस प्रकार के फूड चेन को पैरासिटिक फूड चेन कहते हैं. और ये इकलौता फूड चेन आप जहां देख रहे हो कि धीरे धीरे साइज घट रही है. अभी तक जो आप देख रहे थे साइज बढ़ रही थी, बट इस फूड चेन में साइज घटती है. ठीक है, सो ये हो गया फूड चेन. अब ये तो सिंपल फूड चेन बना, क्या एक फूड चेन दूसरे फूड चेन से कनेक्टेड नहीं हो सकता? आप बोलोगे मैम बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि हमने बचपन में पढ़ा हुआ है, बचपन नहीं छोटे क्लासेस में पढ़ा हुआ है मैम अबाउट फूड वेब. यस, फूड वेब नाम की चीज आपने सुनी होगी. तो फूड वेब क्या होता है, आओ चलो देख लेते हैं. उससे पहले मैं आपको एनसीईआरटी की एक रीडिंग लगाती हूँ. क्या रीडिंग है ये, एक्वेटिक इकोसिस्टम में हमने पढ़ा कि जीएफसी इज मेजरली रिस्पॉन्सिबल एनर्जी फ्लो के लिए, और टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में इट इज जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर
मतलब कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? डेट्रिटस फूड चेन इज जनरली रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन ऑफ या फ्लो ऑफ एनर्जी. डेट्रिटस फूड चेन मे बी कनेक्टेड विद द ग्रेजिंग फूड चेन एट सम लेवल्स. यस, क्या दोनों चेन्स कभी कनेक्ट नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं. ये जो ग्रेजिंग फूड चेन है बेटा, ये कभी डेट्रिटस फूड चेन में नहीं बदल सकता. बिल्कुल बदल सकता है. अगर ये मर जाए तो ये डेट्रिटस में तो आ जाएगा, फिर तो डेट्रिटस वाली फूड चेन हो जाएगी ना. तो जो जीएफसी है, इट कैन बी कन्वर्टेड इनटू डीएफसी, और डीएफसी वाला कन्वर्ट हो सकता है जीएफसी में. ये एनसीईआरटी हमारी लिखती है. ये देखो क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स ऑफ डीएफसी. अब जैसे अर्थवर्म को कोई खा ही तो रहा है, और खाना वाला तो ग्रेजिंग हो जाता है ना, तो सम ऑफ द ऑर्गेनिजम्स आर प्रे टू द जीएफसी एनिमल्स एंड इन नेचुरल इकोसिस्टम. कुछ एनिमल्स जैसे कॉकरोचेस हो गए, क्रोज हो गए, दे आर ओमनीवोर्स, जो दोनों खा सकते हैं फ्लैश प्लस हमारे प्लांट प्रोडक्ट्स. ये जो नेचुरल इंटरकनेक्शन होता है फूड चेन का, इसी को हम क्या कहते हैं बेटा, फूड वेब कहते हैं. क्या कहते हैं? फूड वेब कहते हैं. तो बहुत सारे फूड चेन जब कनेक्ट हो जाएं, इंटरकनेक्शन ऑफ डिफरेंट फूड चेन्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ अ वेब लाइक स्ट्रक्चर, जिसको हम नाम देते हैं बेटा फूड वेब का. तो आओ चलो पढ़ते हैं फूड वेब, फिर एक एग्जाम्पल लेकर के भी समझाएंगे फूड वेब का. देखो क्या होता है, एक एनिमल मे बी ईटन बाई डिफरेंट एनिमल्स. अच्छा, ये ग्रास हॉपर ने कसम खा ली है क्या कि मैं हमेशा फ्रॉग का ही खाना बनूंगा, या फ्रॉग ने कसम खा ली है मैं तो हमेशा जन्मों जन्मों के लिए सिर्फ फ्रॉग ही खाऊंगा और कुछ नहीं खाऊंगा? ऐसा तो नहीं. आपने डिस्कवरी चैनल देखा होगा, नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देखा होगा कि एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे लोगों का खाना बन सकते हैं, है ना. तो ये बहुत सारे लोगों का खाना बनने से क्या होगा, उनको एक से ज्यादा खाने का ऑप्शन मिल रहा है. सोचो बेटा, अगर वो एक ही खाने पे डिपेंडेंट हो, हम अगर एक ही खाने पे डिपेंडेंट हो और वो खाना ही दुनिया से उड़ जाए, हम तो मर जाएंगे. सिमिलरली अगर टाइगर सिर्फ डियरी खाएगा और डियरी एक दिन खत्म हो गया तो टाइगर भी मर जाएगा. इसीलिए इतने मल्टीपल ऑप्शंस होना जरूरी है, ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है. तो फूड वेब बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इट इज गोइंग टू इंक्रीज द ऑप्शन. ज्यादा ऑप्शन ज्यादा बढ़िया बात है ना. सिमिलरली यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है, एक जानवर को एक से मे बी ईटन बाय डिफरेंट एनिमल्स. इससे क्या होता है, बहुत सारे फूड चेन्स आपस में इंटरकनेक्ट हो जाते हैं, और ये जो नेटवर्क है इंटरकनेक्टेड फूड चेन्स का एट डिफरेंट ट्रॉफिक लेवल, इसी को हम क्या बोलते हैं बेटा, फूड वेब बोलते हैं. इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अगर फूड वेब ऑपरेट करता है इकोसिस्टम में, इट इज गोइंग टू प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू द इकोसिस्टम. अब इसकी वजह से, जैसे स्नेक है, स्नेक के पास चूहे को खाने का ऑप्शन भी है और स्नेक को फ्रॉग खाने का भी ऑप्शन है. अगर स्नेक फ्रॉग खाता है तो उसका ट्रॉफिक लेवल बदल जाएगा, अगर एक स्नेक माइस खाता है तो उसका ट्रॉफिक लेवल बदल जाएगा. तो फूड वेब में किसी का ट्रॉफिक लेवल फिक्स नहीं हो सकता. जैसे फॉर एग्जाम्पल यहां पर देखो, यहां पर इस स्नेक ने फ्रॉग को खाया था, ठीक है. फ्रॉग क्या होता है, सेकेंडरी कंज्यूमर. तो स्नेक ने फ्रॉग को खाया तो फ्रॉग यहां पर क्या बन गया, टर्जरी कंज्यूमर, है ना. अगर मैं एक फूड चेन लिखूं, ग्रास, ग्रास को खा रहा है माइस, माइस हर्बीवोर्स होते हैं, माइस को खा गया स्नेक, ठीक है. अब स्नेक का ट्रॉफिक लेवल क्या हो गया, T3. अगर मैं आपसे बोलूं स्नेक कंज्यूमर है, कार्निवोर है, क्या है, तो स्नेक सेकेंडरी कंज्यूमर है इस जगह पर और प्राइमरी कार्निवोर है. तो मैं क्या कह सकती हूँ, ये वाले फूड चेन में और ये वाले फूड चेन में स्नेक की पोजीशन सेम है? नहीं. फूड वेब चलने की वजह से, एक से ज्यादा खाने की ऑप्शन की वजह से, अब ये स्नेक इस माइस को भी खा सकता है, ये स्नेक इस फ्रॉग को भी खा सकता है. फ्रॉग एक कार्निवोर है और माइस एक हर्बीवोर है. देखो इतना वैरायटी मिल सकता है इनको. जब ये माइस को खाए तो ये खुद सेकेंडरी कंज्यूमर या प्राइमरी कार्निवोर कहलाएगा, जब ये फ्रॉग को खाएगा तो ये टर्जरी कंज्यूमर या सेकेंडरी कार्निवोर कहलाएगा. तो इनका ट्रॉफिक लेवल ऑल्सो गेट्स चेंज, डिपेंड करेगा वो कौन सा ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं. तो यही लिखा हुआ है वहां पर कि स्नेक माइस भी खा सकता है जो एक हर्बीवोर है, और फ्रॉग भी खा सकता है जो एक कार्निवोर है.
जो जैकॉल्स होते हैं बेटा, ये कार्निवोर भी है, स्कैवेंजर भी है। कार्निवोर मतलब फ्लैश ईटिंग, स्कैवेंजर मतलब डेड एंड डिकेइंग एनिमल्स पे फीड करने वाली, ये दोनों हो सकते हैं। कितना बढ़िया है ना, तो इनके पास दे आर गेटिंग मोर ऑप्शन। ठीक है, स्पैरो एक प्राइमरी कंज्यूमर है। कब ये प्राइमरी कंज्यूमर है? जब ये सीड को खाए। ये हर्बीवोर कहा जाएगा जब ये सीड को खाए। लेकिन अगर ये इंसेक्ट्स को खा रहा है तब ये क्या कहलाएगा? सेकेंडरी कंज्यूमर, या आप कह सकते हो प्राइमरी कार्निवोर। तो जैसा मैंने स्नेक के लिए बताया कि उनका लेवल बदल जाता है, डिपेंड करता है वो क्या ऑर्गेनिज्म खा रहे हैं, सिमिलरली स्पैरो, अगर स्पैरो प्लांट खा रहा है, सीड खा रहा है, तो वो हर्बीवोर कहलाया जाएगा, प्राइमरी कंज्यूमर कहलाया जाएगा। अगर वो इंसेक्ट खा रहा है तो उसका ट्रॉफिक लेवल, उसका कॉम्पोनेंट सब बदल जाएगा। ठीक है, अब फूड वेब के लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल दिखाती हूँ। ठीक है, फूड वेब समझाने के लिए उसमें बहुत सारे इंटरकनेक्टेड फूड चेन भी हैं, तो फटाफट देख लो बच्चों। ये आप देख सकते हो फूड वेब का एग्जाम्पल, तो आप देख सकते हो इसमें एक नहीं, एक से ज़्यादा फूड चेन ऑपरेट हो रही है, और ये जो नेटवर्क बन रहा है डिफरेंट फूड चेन का, इसी को हम कहते हैं फूड वेब। तो काउंट करें कितने सारे फूड चेन इसमें हैं, आ जाओ। ये देखो, एक फूड चेन आप देख रहे हो, ये ग्रासेस से शुरू है। ग्रास को किसने खाया? चूहे ने। चूहे को किसने खा लिया डायरेक्टली? ईगल ने। फिर देखो, ये दिस इज फूड चेन नंबर वन। फिर यहाँ से देखो एक और है, ग्रास को खाया चूहे ने, चूहे को खा लिया स्नेक ने। अभी मैंने आपको बताया था ना कि स्नेक चूहे खा सकता है, तो ये कौन सा हो गया? फूड चेन सेकेंड। उसके बाद देखो, ग्रास को खाया ग्रास हॉपर ने, हमारा फेवरेट वाला फूड चेन। ठीक है, कितना क्यूट ग्रास हॉपर है। फिर इसको किसने खा लिया? फ्रॉग ने। फ्रॉग को किसने खा लिया? ईगल ने। दिस इज थर्ड फूड चेन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, ये ट्रीज पे किसने फीड किया? डियर ने। डियर को कौन खा लिया बेटा? स्नेक को खिला दिया। डियर को तो बेहतर होता कि किसको खिलाते। ठीक है, अच्छा यहाँ अजगर दिखाया ना, निगल लिया इसने। पर आप ऐसे कर लो, बेटर होगा कि आप ऐसे कर लो कि इसको खा लिया टाइगर ने। तो दिस वुड बी योर नेक्स्ट टाइप ऑफ फूड चेन। ठीक है, तो आप देख सकते हो बहुत सारे डिफरेंट फूड चेन इंटरैक्ट कर रहे हैं। अब जैसे यहाँ पर ईगल का ट्रॉफिक लेवल 4 है, इसमें देखो तो ये पहला ट्रॉफिक, ये दूसरा लेवल, ये तीसरा लेवल, ये चौथा लेवल है ना, जब इसने फ्रॉग को खाया। लेकिन जब इसने डायरेक्टली चूहे को खा लिया तो चूहा ट्रॉफिक लेवल 2 था यहाँ पर, तो ये क्या बन गया? ट्रॉफिक लेवल 3। तो ट्रॉफिक लेवल का नंबर बदल जाएगा, डिपेंड करता है वो किस लेवल पर ऑपरेट हो रहे हैं। ठीक है, ओके, नेक्स्ट हम बात करेंगे बेटा 10% लॉ ऑफ एनर्जी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी आता है। तो ये बताने वाले जो साइंटिस्ट थे, ये एनसीईआरटी में नहीं है, आप चाहो तो स्किप कर सकते हो। अब इस लॉ ऑफ एनर्जी में कहा क्या जाता है? तो ये है कि जब 10% ऑफ एनर्जी होती है इन द फूड इज फिक्स्ड इनटू द एनिमल फ्लैश, जबकि 90% इज कंज्यूम्ड इन इंजेशन, रेस्पिरेशन, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी हीट। बेटा जो इतना आप खा रहे हो, अब एक टाइगर ने, डियर, सॉरी टाइगर नहीं, हम इसका एग्जांपल लेते हैं, इसने, अब प्लांट यहाँ पर ग्रास है, ग्रास के पास मान लो 10,000 जूल एनर्जी है। इस ग्रास को किसने खाया? ग्रास हॉपर ने खा लिया। तो क्या 10 का 10,000 ग्रास हॉपर पे चला जाएगा? नहीं, ग्रास के पास ये जो एनर्जी है बेटा, ये ग्रास खुद भी तो इस्तेमाल करेगा। ग्रास को क्या क्या काम कराना है? अपने रेस्पिरेशन पर्पस के लिए, और भी जो दूसरे प्रकार के मेटाबॉलिज्म है, तो ये एनर्जी इनके प्रोसेसेस में, लाइफ प्रोसेस में खर्च हो जाती है, रेस्पिरेशन वगैरह में। ठीक है, और सारी खर्च कैलकुलेट करने के बाद ये देखा गया है कि इसका सिर्फ 10% ही नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में जाता है। अब 10,000 का जो 10% होगा वही इस ग्रास ऑपर स्टेडे को मिलेगा। तो इसको जो एनर्जी मिलती है, क्या ये कंप्लीटली ट्रांसफर कर देता है? नहीं, उसका सिर्फ 10% ही आगे जाता है। इसी को बोलते हैं हम 10% लॉ ऑफ एनर्जी। तो देखो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये देखो, ठीक है, एट ईच ट्रांसफर सिर्फ 10% ऑफ द टोटल एनर्जी इज एक्चुअली अवेलेबल टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। इसी को 10% लॉ बोलते हैं। एक एग्जाम्पल देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, सबसे पहले प्रोड्यूसर के पास कितनी एनर्जी थी बेटा? 1,000 किलो कैलोरी। तो सीधा का सीधा हर्बीवोर्स को भी उतना ही मिल जाएगा। जैसे तुम एक फूड चेन बना लो, ये ग्रास है हमारा फेवरेट फूड चेन, ये ग्रास हॉपर वाला लेवल है,
ग्रास हॉपर को कौन खा जाता है, ये फ्रॉग वाला लेवल है, ये फ्रॉग को कौन खा जाता है, ये स्नेक वाला लेवल है। तो आप देख सकते हो कि जब ग्रास को ग्रास हॉपर खा रहा है, ग्रास के पास कितनी एनर्जी है, 1000 किलो कैलोरी एनर्जी है। तो क्या 1000 किलो कैलोरी एनर्जी ग्रास हॉपर को मिल जाएगी? नहीं, उसको सिर्फ कितनी मिली, 100 किलो कैलोरी। क्यों? क्योंकि सिर्फ 10% एनर्जी ही ट्रांसफर हुई है। अब इसके पास 100 किलो कैलोरी एनर्जी है, ठीक है, कितनी ट्रांसफर हो रही है, पूरी की पूरी नहीं, सिर्फ 10% ही एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। इसके पास 10 है तो क्या इसने पूरी की पूरी 10 दे दी, सारा खाना जो बना रहा है दूसरों को ट्रांसफर कर देगा? नहीं, ये अपने मतलब के लिए बेटा एनर्जी को इस्तेमाल करते हैं, एंड ओनली 10% ऑफ द एनर्जी इज ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। इसी को हम बोलते हैं 10% लॉ। इस पर क्वेश्चन भी आता है, मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ, आपका होमवर्क है, होमवर्क करिए, ठीक है, और आंसर बताइए कमेंट में। प्लांट के पास, ठीक है, 10,000 जूल है, आपको बताना है जब इसको हर्बीवोर खाएगा, ठीक है, तो उसके पास कितने परसेंट ऑफ एनर्जी इसको मिलेगा। हर्बीवोर को कौन खा जाता है? कार्नीवोर खा जाता है। तो यू हैव टू टेल मी कि इसको कितना परसेंट एनर्जी मिलता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, मान लो सन से जो प्लांट को लाइट मिल रही है, ठीक है, आपको पता है प्लांट सन की लाइट को एब्जॉर्ब करता है, सन के पास अगर 10,000 जूल है बेटा, तो यहां पर भी क्या 10% लॉ चलती है? नहीं, जब सन से प्लांट को लाइट ट्रांसफर होती है, एब्जॉर्ब होती है बेटा, सिर्फ 1% लॉ फॉलो होता है, ठीक है। तो 10,000 का 1% प्लांट को मिलेगा, 10,000 का 1% कितना हो गया, 1/100 × 10,000, काटा पीटी कर लो, ठीक है, आपको कितना मिलेगा, 100 जूल, ठीक है। अब जब प्लांट से आगे एनर्जी का ट्रांसफर होता है फूड चेन में, तब यहां पर 10% लॉ एप्लीकेबल है। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, एनसीईआरटी लिखती नहीं है, जब पिरामिड समझाएंगे तो वहां पर बताया हुआ है कि सन से प्लांट वाला 1% लॉ है, प्लांट से आगे जब ट्रांसफर होता है, जब प्लांट्स को कोई खाता है या उनको कोई और खा जाता है, तो 10% लॉ एप्लीकेबल है। तो ये आपका होमवर्क है, आंसर करना कमेंट में, ठीक है। इसके बाद एक और चीज आप देखो, जब जब हम ट्रॉफिक लेवल दिखाते हैं, हम यहां पर जैसे ट्रॉफिक लेवल 1 दिखाया हुआ है, ठीक है, ट्रॉफिक लेवल 2 दिखाया हुआ है, ट्रॉफिक लेवल 3 दिखाया हुआ है, ट्रॉफिक लेवल 4 दिखा हुआ है, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल आपको ट्रॉफिक लेवल 5 तक दिखाते हैं, इससे ज्यादा लेवल तक हम नहीं जा सकते, बिकॉज ट्रॉफिक लेवल का जो नंबर है, ट्रॉफिक लेवल का जो नंबर है इज लिमिटेड 2, 3 to 5। ऐसा क्यों? सोचो सोचो, क्योंकि बेटा जैसे जैसे तुम ट्रॉफिक लेवल बढ़ाते चले जा रहे हो, एनर्जी घटती चली जा रही है, ठीक है। तो तुम सोचो, प्रोड्यूसर के पास 1000 किलो कैलोरी थी, सांप को कितनी मिली, आप देखो सिर्फ 1 किलो कैलोरी मिली है। अब सांप को कोई खाएगा तो उसको सोचो फ्रैक्शन में मिलेगा, तो फायदा क्या होगा, एफिशिएंसी घटती चली जा रही है। तो ट्रॉफिक लेवल एनर्जी फ्लो की एफिशिएंसी को बरकरार रखने के लिए ट्रॉफिक लेवल का नंबर 5 से ज्यादा नहीं बढ़ना चाहिए। अगर लेकिन कौन रोक लगा सकता है, अब कोई आएगा उस ऑर्गेनिज्म को खाने के लिए तो कोई नहीं खाने दो, उसको एनर्जी इतनी नहीं मिलेगी, ठीक है। यस, अब दो चीजें पढ़ोगे आप, दो इंपॉर्टेंट टॉपिक, स्टैंडिंग स्टेट और एक स्टैंडिंग क्रॉप। इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्रॉप में कि कौन सा लिविंग है, कौन सा नॉन लिविंग के लिए। तो सुनना ध्यान से, क्रॉप क्या होते हैं बेटा, प्लांट होते हैं, प्लांट जिंदा है या मरे हुए, सब बोलोगे मैम वो तो जिंदा है, ठीक है। तो जब हम लिविंग मटेरियल के अमाउंट को बताते हैं किसी गिवन इकोसिस्टम इन अ गिवन एरिया इन अ गिवन टाइम, उसको हम स्टैंडिंग क्रॉप कहते हैं। अब लिविंग मटेरियल का अमाउंट कैसे बताओगे, वजन करके बताया था ना, ठीक है, मास बायोमास कैलकुलेट करके। तो देखो लिखा हुआ है, इसको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इट इज एक्सप्रेस इन द नंबर, या तो नंबर या तो आप वजन करके, बायोमास ऑफ ऑर्गेनिज्म जो उस एरिया में प्रेजेंट है। बायोमास को दो तरीके से एक्सप्रेस किया जा सकता है, या तो फ्रेश वेट या तो ड्राई वेट। अब देखो लेकिन प्रिफर किया किया जाता है बेटा, फ्रेश वेट में ना मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है। आपने बाल शैम्पू किया है, अब लड़कियों के जैसे बाल भी ज्यादा डेंस होते हैं, आपने उसी उसी वेट हेयर के साथ अपना वजन करना, तुम्हारा भी ज्यादा ही आएगा, बिकॉज
पानी का भी तो कुछ वेट होता है. सिमिलरली लीफ तुम अगर फ्रेश तोड़ करके ला रहे हो उसमें मॉइस्चर का कंटेंट है, तो वो मॉइस्चर का कंटेंट भी उसके वेट में ऐड ऑन हो जाएगा. जैसे अभी सर्दी का टाइम है, तुम भर भर के ओवर कोट पहन करके अपना वजन कर लो, तुम घबरा जाओगे. अच्छा मैं इतना ज़्यादा मेरा वजन हो गया है, इतना ज़्यादा मैंने वेट गेन कर लिया है, तो दैट वो क्या तुम्हारा एक्यूरेट वेट है? नहीं, वो तो फॉल्स वेट हुआ ना, वो तो कपड़ों का वेट हुआ. सिमिलरली जब तुम फ्रेश वेट करते हो तो उसमें मॉइस्चर का वेट है, वो एक्चुअल वेट नहीं देता. इसीलिए प्रिफर क्या किया जाता है, ड्राई वेट प्रिफर किया जाता है मेजरमेंट के लिए. तो अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज स्टैंडिंग क्रॉप, तो याद रखना इसमें लिविंग मटेरियल के अमाउंट को मेजर किया जाता है. और इसके मेजर करने के दो तरीके हैं, तो नंबर कैलकुलेट कर लो या बायोमास. बायोमास को कैसे कैलकुलेट करना है? वजन करके. कौन सा वजन प्रेफर करना है? ड्राई वेट को प्रेफर करना है, क्योंकि हमारा फ्रेश वेट में मॉइस्चर कंटेंट ऐड होकर के एरर प्रोवाइड कर सकता है. ठीक है, ड्राई वेट इज विदाउट मॉइस्चर, इट इज विदाउट मॉइस्चर, दैट इज वाई ये प्रिफर है, इसमें कोई एरर नहीं आते. ठीक है, फ्रेश इज विथ मॉइस्चर, पानी का कंटेंट भी ऐड हो जाता है. फिर एक इसी से मिलता जुलता वर्ड होता है बेटा, स्टैंडिंग स्टेट. ठीक है, इसमें हम क्या निकालते हैं, एक टाइम पर एक इकोसिस्टम में कितना इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट मौजूद है. निकाल लो सोइल में अगर आपको निकालना है. ठीक है, साइकिलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट में ये वाली डेफिनेशन लिखी हुई है. तो व्हाट इज स्टैंडिंग स्टेट या क्वालिटी? जितना भी इनऑर्गेनिक सब्सटेंस एक जगह किसी इकोसिस्टम में मौजूद है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैंडिंग स्टेट. तो देखो, स्टैंडिंग स्टेट और स्टैंडिंग क्रॉप अब शायद तुम भूलोगे नहीं. क्रॉप में लिविंग मटेरियल ऐसे याद रखोगे, और स्टेट में इनऑर्गेनिक सब्सटेंस न्यूट्रिएंट का अमाउंट निकाला जाता है. ठीक है, अब आपका काम है बेटा एनसीईआरटी, मैंने आपको सारी की सारी साथ में ही रीड कराई है. ठीक है, अब आपका काम है उसको अच्छे से पढ़ लो. ठीक है, रिवाइज करके आना नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पर हम बात करेंगे अदर फैक्टर्स की, और प्रैक्टिस शीट्स के क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करना. सो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन. बाय बाय एवरीवन.